जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने एक प्रेस रिलीज में यह बताया कि DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए एक नई बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको DRDO की इस नई बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में डिटेल बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं फिर। DRDO की इस नई बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इंडियन आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। 2018 से पहले इंडियन आर्मी के जवानों के पास इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB की बनाई हुई बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, जिन्हें इंडियन आर्मी BPJ कहती थी। ये जुगाड़ टाइप बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी जिसमें स्टील प्लेट्स का यूज़ किया गया था। इन जुगाड़ टाइप OFB BPJ का वेट 16 से 18 किलोग्राम होता था, जो कि कश्मीर वैली के किसी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ट्रूप्स को जल्दी थका देती थी, क्योंकि इस 16 किलो की जैकेट के अलावा इंडियन आर्मी जवान अपनी राइफल, एमिनिशन और रेडियो इक्विपमेंट्स भी कैरी करते थे, जिनका वेट लगभग 8 से 12 किलो होता था। इंडियन आर्मी के जवानों की प्रॉब्लम्स 2017 में और बढ़ गई जब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने आर्मर पियर्सिंग स्टील कोर AK-47 बुलेट्स और M4A1 कोल्ट कार्बाइन के साथ M855A1 इनहेंस परफॉर्मेंस राउंड्स का यूज करना शुरू किया। इन राउंड्स की स्टील पेनिट्रेटिंग टिप इंडियन आर्मी की पुरानी BPJ को पेनिट्रेट करके जवानों को मार सकती थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी की हल्की यानी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिमांड मान ली और अप्रैल 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड को इंडियन आर्मी के लिए 639 करोड़ रुपीज में 1.86 लाख लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करने को ऑर्डर दिया। दिसंबर 2020 तक सभी 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंडियन आर्मी को मिल गए थे, जिन्हें इमीडिएटली कश्मीर के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में इफेक्टिवली यूज किया गया। इंडियन आर्मी के ये SMPP के बनाए हुई बुलेट प्रूफ जैकेट्स बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें चाइनीज केवलर प्लेट्स का यूज किया गया था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने SMPP को और बुलेट प्रूफ जैकेट्स का ऑर्डर नहीं दिया और DRDO को जल्दी से जल्दी एक इंडियन लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप करने को कहा। इसके बाद एक साल के अंदर ही कानपुर में लोकेटेड DRDO की लेबोरेटरी डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी DMSRDE ने एक नई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को डेवलप किया है। इंडियन आर्मी की डिमांड को मानते हुए इस जैकेट में एडवांस्ड मेड इन इंडिया मटेरियल्स का यूज किया गया है और इसके बाद DRDO की इस नई जैकेट का वेट सिर्फ 9 किलो है, जो कि SMPP की 10.4 किलोग्राम वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो कि चाइनीज केवलर प्लेट्स का यूज करती थी से पूरे 1.4 किलोग्राम कम है। DRDO की ये जैकेट एक फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल यानी FHAP टाइप जैकेट है, जिसमें एडवांस्ड इंडियन केवलर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इसमें कोई भी चाइनीज या फॉरेन मेड मटेरियल यूज नहीं किया गया है। इस जैकेट को चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी यानी PBRL में लगातार टेस्ट किया गया और DRDO की ये नई लाइटवेट जैकेट सारे टेस्ट पास हो गई है। इसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने DRDO के साइंटिस्ट को एक ट्वीट करके बधाई दी, क्योंकि ये इंडिया में बनी हुई एक पहली फुल्ली मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि इंडियन आर्मी की सभी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी GSQR पूरी कर पाई है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि DRDO की ये 9 किलोग्राम वाली लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंडियन आर्मी के जवानों को बहुत पसंद आएगी, इसीलिए DRDO को इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी इस बुलेट प्रूफ जैकेट्स को इंडियन आर्मी को सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी को लगभग 5 लाख और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जरूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।